तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और कल वाली क्लास में हमने राणा हमीर और राणा क्षेत्र सिंह के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राणा लाखा या लक्सिंह के बारे में। तो राणा लाखा या लक्सिंह पढ़ने से पहले हम कल वाली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल वाली क्लास में हमने राणा हमीर और राणा क्षेत्र सिंह के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले हम राणा हमीर वाला जो रिवीजन है वो करवा देता हूँ। कल वाली क्लास में हमने राणा हमीर के बारे में पढ़ा था कि इनके पिताजी का नाम हरि सिंह था और इनके दादाजी का नाम लक्ष्मण सिंह था, और ये लक्ष्मण सिंह और उनके सात पुत्र हैं वो चित्तौड़ के प्रथम शाके में वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मैंने आपको राणा हमीर के बारे में पढ़ाया था कि ये सिसोदिया वंश के संस्थापक माने जाते हैं, और जो राणा हमीर हैं इनके और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सिंगोली का युद्ध। सिंगोली आपके एक बांसवाड़ा में जगह पड़ती है, तो वहाँ पर राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य युद्ध होता है। इसमें राणा हमीर विजय होते हैं और राणा हमीर चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता का मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अन्नपूर्णा माता जो कि मेवाड़ शासकों की इष्ट देवी है, जबकि कुल देवी की बात करें तो बाण माता है, और जो लोकदेव सॉरी जो आपके कुल देवता हैं वो एकलिंगनाथ जी हैं, आप सभी जानते हैं। और उसके बाद हमने कुछ राणा हमीर के टाइटल्स पढ़े थे यानी उपाधियाँ पढ़ी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि राणा हमीर को टोड़ ने प्रबल हिंदू राजा का है, जबकि कुंभा ने रसिक प्रिय बुक में इनको वीर राजा का है, जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि 1460 के उसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। उसके बाद में इनको मेवाड़ का उदार कहा जाता है। ये राणा हमीर के बारे में मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने क्षेत्र सिंह के बारे में पढ़ा था यानी राणा क्षेत्र सिंह के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि राणा क्षेत्र सिंह ने मालवा के दिलावर खां को हराया था, और जो मेवाड़ के क्षेत्र सिंह हैं महाराणा इनकी एक दासी थी क्रमा खातिन, उनसे इनको दो पुत्र प्राप्त हुए थे चाचा और मेरा। और चाचा और मेरा ये वही हैं जिन्होंने राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र मोकल की हत्या की थी। हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम ये कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे राणा लाखा या लक्सिंह के बारे में। ठीक है, तो राणा लाखा या लक्सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दो छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। राणा लाखा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान मिली थी, जावर उदयपुर में चांदी की खान मिली, चांदी की खान मिली थी, याद रखिएगा सीधी सीधी बात। और जावर जो परगना है वो बाद में कहते हैं कि कुंभा की पुत्री हुई थी रमाबाई, जिन्हें वागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, उनको ये दिया गया था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। राणा लाखा कैसे में जावर उदयपुर में चांदी की खान मिली, और इससे आप सभी जानते हैं मेवाड़ की प्रगति हुई। और दूसरी है पिछोला झील, पिछोला झील जो काफी उदयपुर में आप सभी जानते हैं। तो राणा लाखा के समय एक बंजारा था पिछू या चित्र नाम का, कौन था? बंजारा था, उसने इस झील का निर्माण करवाया। अब इस झील का निर्माण इस बंजारे ने क्यों करवाया? तो कहते हैं कि यह बंजारा था, इसका बैल मर जाता है, और बैल आप सभी जानते हैं बैल को नंदी भी कहा जाता है, तो इसने अपने बैल या नंदी की स्मृति में उदयपुर में पछिल जो पिछोला झील है उसका निर्माण करवाया। अब पिछोला झील के किनारे आप याद रखिएगा नटनी का चबूतरा बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, नटनी का चबूतरा। तो नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है या पास में बना हुआ है? तो ये आपका पिछोला झील के पास में बना हुआ है। और जब आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि जो प्रथम सौर चालित नाव है वो भी पिछोला झील में चली थी, तो प्रथम सौर चालित नाव। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। तो राणा लाखा के समय आपको दो बात याद रखनी है कि जावर उदयपुर में राणा लाखा के समय चांदी की खान मिली थी, और राणा लाखा के समय पिछू या चित्र नामक बंजारे ने अपने बैल या नंदी की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था, और पिछोला झील के पास में नटनी का चबूतरा बना हुआ है, और प्रथम सौर चालित नाव यहाँ पर चली थी। ये दो बातें याद रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं राणा लाखा का हंसाबाई से विवाह। ठीक है, यानी राणा लाखा का हंसाबाई से विवाह। तो अब आप पूछेंगे कि हंसाबाई कौन थी? ती हंसाबाई मारवाड़ के राजा राव चूड़ा सॉरी राव चूड़ा की पुत्री थी, और हंसाबाई के भाई थे रणमल। और जो हंसाबाई हैं उनका रिश्ता है वो मेवाड़ के कुंवर चूड़ा के लिए आता है जो कि राणा लाखा के पुत्र थे। और ये जब मारवाड़ वाले मेवाड़ में रिश्ता लेकर जाते हैं तो उसमें राणा लाखा ने दरबार लगा रखा था, और ब्राह्मण और रणमल दोनों नारियल लेके रिश्ते के लिए जाते हैं। और ब्राह्मण जाते ही राणा लाखा को कहता है कि राणा साहब नारियल लेके आए, तो राणा लाखा ब्राह्मण की पूरी बात सुनते ही नहीं है, और वो कहने लगते हैं जो अपने उनके दरबारी में बैठे थे अन्य जो व्यक्ति उनसे कहने लगते हैं राणा लाखा कि देख लो राणा लाखा
बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी तक इनके लिए रिश्ते आते रहते हैं। राणा काका अपनी तारीफ करते हैं, लेकिन ब्राह्मण साहब कहते हैं, राणा साहब पूरी बात तो सुनो। तो राणा लाका बोलते हैं कि बोलो ब्राह्मण जी। तो ब्राह्मण जी कहते हैं कि लाका जी, ये रिश्ता आपके पुत्र कुंवर चुंडा के लिए आया है, न कि आपके लिए। अब इस बात पे भी जो दरबारी, जो अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे राणा लाका के दरबार में, वो सभी राणा लाके पे हंसते हैं और ये बात कुंवर चुंडा को बुरी लगती है। और कुंवर चुंडा कहते हैं कि शादी करेगा तो अपना बापू करेगा। तो यहाँ पे राणा लाका और हंसा भाई की शादी हो जाती है, शादी मतलब तय हो जाती है। अब तय किस बात पे होती है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। रणमल यहाँ पे कहता है कि मैं राणा लाका के साथ अपनी बहन की शादी तो कर दूँ, लेकिन अगला शासक तो चुंडा तुम ही बनोगे। यानी कुंवर चुंडा को कहते हैं भाई रणमल, यानी वो रणमल जो कि हंसा भाई के भाई थे, वो कहते हैं कि अगला शासक तो तू ही बनेगा और मेरा भतीजा है वो तो क्या पे आपके नौकरी करेगा, चोकर चाकरी करेगा आपकी। तो इस बात पे कुंवर चुंडा कहते हैं कि कुंवर चुंडा आज ये एकलिंग जो नाथ हैं, एकलिंग नाथ जी, उनकी कसम खाता है कि जो कुंवर चुंडा है वो कहते हैं रणमल से कि ये चुंडा एकलिंग नाथ जी की कसम खाता है कि हंसा भाई और जो राणा लाका है उनसे उत्पन्नी जो पुत्र है वो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो रणमल ने कहा कि एकलिंग नाथ जी की कसम खाइए, ऐसे तो नहीं चलेगा, इकरार लिखना पड़ेगा, यानी आपको लिखित में देना पड़ेगा कि राणा लाका और हंसा भाई से उत्पन्नी जो संतान है वो मेवाड़ का अगला शासक होगा। तो कुंवर चुंडा लिख के देते हैं, ठीक है लिख के देते हैं। और अब देखिए कुंवर चुंडा ने बहुत बड़ा बलिदान दिए अपने पिता के लिए, ठीक है, उन्होंने शादी नहीं की और साथ में मेवाड़ जो कि हम कह सकते हैं विश्व का एक समय तक सबसे बड़ा, यानी एक समय तक किसी क्षेत्र पर शासन करने वाला सबसे बड़ा जो राजवंश है या एकमात्र राजवंश है वो है आपका मेवाड़ राजवंश, तो उस मेवाड़ को उन्होंने ठुकरा दिया, ठीक है, अपने पिता के लिए कि मैं शासन नहीं करूँगा बल्कि हंसा भाई और राणा लाका से उत्पन्न पुत्र है वही क्या है शासन करेगा। तो इस बात पे हम इन्हें मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। अब मेवाड़ का भीष्म क्यों कहते हैं, मेवाड़ का भीष्म क्योंकि या तो महाणा जो सॉरी महाभारत में विषम ने उपाय ये प्रतिज्ञा ली थी या फिर मेवाड़ में चुंडा ने प्रतिज्ञा ली थी। अब विषम वाली मैं आपको कहानी सुना दूं कि हस्तिनापुर, अपने महाभारत पढ़ी हुई, तो हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु, शांतनु याद से वैसे लिखने वाली कोई बात नहीं है, शांतनु। और शांतनु ने, शांतनु का जो विवाह है वो सत्यवती से हुआ था और इस शर्त पे, यानी सत्यवती के जो पिता थे उन्होंने कहा था कि जो सत्यवती से मैं अपने जो पुत्री की शादी तो कर दूं शांतनु से, लेकिन जो शांतनु का पुत्र था देवव्रत वो शासक नहीं बनेगा बल्कि जो शांतनु और मेरी जो पुत्री है सत्यवती से जो उत्पन्न संतान है वही क्या है अगला शासक बनेगी। तो इस बात पे देवव्रत कहते हैं कि बिल्कुल आप बन जाइए, और लेकिन बाद में जो सत्यवती के पिताजी थे उन्होंने कहा था कि देवव्रत अगर तुमने तो कह दिया कि जो पुत्र हैं शांतनु और सत्यवती का जो मेरी पुत्री है उसका जो अगला जो सॉरी संतान होगा वो शासक बनेगा, लेकिन जो तेरे तू विवाह करेगा देवव्रत को कहते हैं तो तेरे बच्चे भी आगे शासन मांगेंगे, तो इसलिए देवव्रत कहते हैं कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे कुंवर चुंडा है उन्होंने विवाह किया था, ठीक है तो याद रखिएगा। और आगे जाके जो कुंवर चुंडा के वंशज है वो चुंडावत कहे थे, तो यानी इन्होंने विवाह किया था लेकिन शादी जो शासन त्याग दिया था, यानी मेवाड़ का शासन ये नहीं संभालेंगे नहीं राज करेंगे लेकिन इन्होंने शादी की थी याद रखिएगा, और इनके जो आगे वंशज थे वो चुंडावत थे, ठीक है। तो अब देखिएगा इतना बड़ा त्याग किया और ये विषम यानी देवव्रत या विषम की तरह ये त्याग किया था, तो इसलिए मेवाड़ का विषम पितामा किन को कहते हैं, तो हम कहते हैं कुंवर चुंडा को, ठीक है कुंवर चुंडा को हम कहते हैं। और एक मैं उपाधि और देना चाहूँगा कुंवर चुंडा को, सत्यव्रत पितृभगत, यानी ये अपने पिता के तकड़े यानी भगत थे क्योंकि सच्चे भगत थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पिता के लिए शादी नहीं की और साथ सॉरी हंसा भाई से शादी नहीं की और साथ में मेवाड़ का शासन भी नहीं किया, तो इसलिए हम कह सकते हैं सत्यव्रत पितृभगत थे ये, यानी अपने पिता के सच्चे भगत थे, ठीक है तो याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके बदले, यानी इतना बड़ा सेक्रीफाई बलिदान किया त्याग किया किसने, कुंवर चुंडा ने, तो कुंवर चुंडा को कुछ तो दिया जाए कुछ तो बढ़ा दिया जाए, तो इसलिए जो मेवाड़ के बाद यानी मेवाड़ में लगभग उस समय
16 ठिकाने होते थे प्रथम श्रेणी के, यानी वैसे अलग अलग द्वितीय तृतीय श्रेणी होती थी, लेकिन प्रथम श्रेणी के जो ठिकाने होते थे वो 16 होते थे उस समय मेवाड़ में। तो उसमें सबसे बड़ा ठिकाना था सुलुम्बर का, ये सुलुम्बर ठिकाना उदयपुर में पड़ता था। तो ये ठिकाना सुलुम्बर है, ये ठिकाना किसको दिया जाता है? कुंवर चुंडा को। ठीक है, सबसे बड़ा ठिकाना दिया जाता है और यहाँ पे कुंवर चुंडा को ये सुलुम्बर का ठिकाना दिया जाता है। इसी के साथ साथ तीन और दिए जाते हैं, कौन कौन से? तो आमेट पड़ता है आपका राजसमंद में। उसके बाद आपको तीसरा दिया जाता है, दूसरा और तीसरा बेगू, जो कि आप सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़ में। और चौथा दिया जाता है देवगढ़, ये आपका पड़ता है राजसमंद में। आमेट और देवगढ़ राजसमंद में पड़ते हैं, बेगू आप सभी जानते हैं चित्तौड़गढ़ में, और सुलुम्बर जो आपको मैंने आपको बता दिया उदयपुर में। तो ये चार ठिकाने कुंवर चुंडा को दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो इन चार ठिकानों पर आगे से जो शासन कौन करेगा? तो चुंडा के वंशज यानी चुंडावत करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा जो सुलुम्बर के जो चुंडावत होते थे उनको क्या कहा जाता था, यानी इसका मतलब सुलुम्बर ठिकाना है और ठिकाने पे जो शासन करेगा उसको कहा जाता था सामंत। तो जो सुलुम्बर का सामंत था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था रावत जी। ठीक है, क्या कहा जाता था? रावत जी। तो याद रखिएगा सबसे पहले यानी जो कुंवर चुंडा है उनको मेवाड़ में जो प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे उनमें से चार ठिकाने दिए जाते हैं, और सुलुम्बर जो सॉरी मेवाड़ के 16 ठिकाने थे प्रथम श्रेणी के उनमें सबसे बड़ा ठिकाना भी सुलुम्बर था, ये भी कुंवर चुंडा को दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं चुंडा या चुंडावतों को, वो कौन कौन से हैं? तो वो देखिएगा कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिएगा जो कुंवर चुंडा है उनके वंशज क्या कहलाएंगे? चुंडावत। और चुंडावत हमेशा जो युद्ध में जो सैनिक टुकड़ी होगी आगे आगे लड़ने वाली सैनिक टुकड़ी जिसे अरावल कहा जाता था उसका नेतृत्व करेंगे, अरावल का नेतृत्व, या अरावल सेना में कौन रहेंगे? हमेशा चुंडावत रहेंगे। ठीक है, अरावल सेना में हमेशा रहेंगे, याद रखिए अरावल सेना में रहेंगे। इसके अलावा क्या मिलेगा? इसके अलावा जो राजा के बाद यानी महाराणा या राणा के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पट्टे से संबंधित हो, यानी पट्टा आप सभी जानते हैं उसमें पट्टा वगैरह ये जमीनों के होते थे, या इसके अलावा सनद वगैरह, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती थी डॉक्यूमेंट होते थे उन पे पहले तो होगा महाराणा का साइन, उसके बाद में जो दूसरा साइन होगा वो चुंडा या चुंडा के वशज करेंगे। ठीक है, ये बात दी गई थी। इसके अलावा अब यहाँ पे जो राणा लखा और हंसाबाई का पुत्र था मोकल, तो वो किसके कहने पर अगला शासक बन रहा है, महाराणा या राणा बन रहा है? तो ये चुंडा तय कर रहा है कि अगला शासक कौन होगा मेवाड़ का। तो इसलिए ये मेवाड़ जो महाराणा जितने भी बनते थे, मेवाड़ महाराणा या राणा बनते थे, उनको मतलब चुनते थे या उनके कहने पर बनाए जाते थे। याद रखिएगा वैसे चुनते तो क्या थे, यानी उनके कहने पर बनाया जाता था, यानी चुंडावत तो उसे डिस्कशन करते थे, बाद में ही मेवाड़ के महाराणा या राणा बनाए जाते थे। इसके अलावा जब राणा या महाराणा राजधानी से बाहर गए होते हुए थे, यानी कहीं गए हुए होते, तो उस समय जो शासन भार कौन संभालता था? तो चुंडावत संभालते थे। इसके अलावा इनको अरावल सेना में रखा गया था, और इसके अलावा एक और इनको दिया गया था। अभी मैंने कहा आपको कितनी बातें बताई कि अरावल सेना का नेतृत्व ये करते थे, और महाराणा या राणा के साइन के बाद यानी किसी भी डॉक्यूमेंट के साइन के बाद इनका साइन होता था, और साथ में जो मेवाड़ महाराणा जब कभी राजधानी से बाहर गए हुए थे तो उसमें शासन भार कौन संभालता है? तो चुंडावत संभालते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और मिलती है कि महाराणाओं के तलवार यानी जो इनका राज्याभिषेक होता उसमें तलवार कौन बांधता था? तो ये चुंडावत ही बांधते थे। और आपने पढ़ा होगा कि महाराणा प्रताप के जो तलवार किसने बांधी थी? तो कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इतनी बातें। ये जो चुंडावत हैं उनके स्पेशल राइट्स हैं, इनको क्या क्या स्पेशल जो राइट्स मिले हुए थे? तो इनको चार ठिकाने मिलते हैं, एक सुलुम्बर सबसे बड़ा ठिकाना था, और इसके अलावा आमेट राजसमंद वाला, देगू चित्तौड़गढ़ वाला, और एक आपका देवगढ़ राजसमंद वाला। ठीक है, तो ये चार ठिकाने दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हमेशा अरावल सेना में कौन रहेंगे? तो चुंडावत रहेंगे। इसके अलावा जो राजा या महाराणा के जो साइन के बाद डॉक्यूमेंट्स पर किसके साइन होंगे? तो चुंडावतों के, और उसके अलावा अरावल सेना में ये बता दिया। उसके अलावा तलवार कौन बांधेंगे? महाराणा या राणाओं के, तो चुंडावत बांधेंगे। और इसके अलावा जब महाराणा या राणा राजधानी से बाहर गए होंगे तो उसमें शासन भार कौन संभालेगा? तो चुंडावत संभालेंगे। इतनी बातें याद रखिएगा। हंसाबाई से विवाह हो गया। अब एक घटना और मिलती है बूंदी पर अटैक की,
यानी राणा दाका बूंदी पर आक्रमण करते हैं, उस समय की कुछ घटनाएं मिलती हैं। अब दो कहानियां हैं वैसे तो, एक कहानी है कि राणा दाका ने बूंदी की जो रानी थी हाड़ी रानी उससे विवाह हुआ था, किसका, राणा दाका का। तो कहानी ऐसी मिलती है कि जो हाड़ी रानी थी, क्योंकि बूंदी पर हाड़ा जो शासक थे उनका अधिकार था, तो उनकी जो लड़की हुई वो यहाँ राणा दाका से उनकी शादी हुई, तो वो हाड़ी रानी कहलाई, ठीक है। तो हाड़ी रानी कहते हैं कि ऐसी बातें या कहानी मिलती है कि राणा दाका ने जब पूछा कि आपको मेवाड़ अच्छा लगता है यानी चित्तौड़ अच्छा लगता है या आपको बूंदी अच्छा लगता है, यानी तो हाड़ी रानी कहती है कि मुझे तो बूंदी अच्छा लगता है क्योंकि बूंदी की थी। तो इस बात पर कहते हैं कि राणा दाका को गुस्सा आता है और कहते हैं कि वो बूंदी पे अटैक करने चले जाते हैं। उसके बाद में लेकिन उनके दरबारी जो अन्य सेनापति वगैरह थे उन्होंने समझाया राणा किसको, लाका को, राणा लाका को समझाया कि, और राणा लाका ने शपथ भी ले ली थी कि मैं जब तक बूंदी को नष्ट नहीं करूँगा उस तक मैं खाना पानी या पानी भी नहीं पीऊँगा, ये कसम खाई थी। अब कसम तो खा ली, बाद में भूख लगी, तो इसलिए कहते हैं कि जल्दी से एक वहीं पे चित्तौड़ में ही कहते हैं कि नकली दुर्ग बनाया गया था बूंदी, उसमें नाम लिखा गया बूंदी और एक नकली दुर्ग बनाया गया, और उस दुर्ग को राणा दाका ने क्या अपने तीर मारा या फिर हम कह सकते हैं उसको छोटा सा वैसे कमरा वगैरह बना लिया, उसको ढा दिया। जब उसको ढा रहे थे यानी तीर वगैरह मार रहे थे, उसमें कहते हैं कि उस हाड़ी रानी का भाई था, जवान था, नाम था कुंभाहाड़ा, ये कहते हैं ये कुंभाहाड़ा बीच में आ जाता है और अंदर से तीर चला रहा था ये, ठीक है, कुंभाहाड़ा सामने से तीर चला रहा था उसमें नकली दुर्ग की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पे जज्बा देखिएगा कुंभाहाड़ा का कि नकली दुर्ग, असली दुर्ग क्या, नकली दुर्ग पे हम क्या अधिकार नहीं करने देंगे किसी भी अन्य शासक का। तो इस बात पे कहते हैं कि कुंभाहाड़ा भी यहाँ पे वीरगति को प्राप्त होते हैं, ये कहानियाँ मिलती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुंभाहाड़ा की वीरता है वो यहाँ पे बहुत ही महान है, क्योंकि वीर शासक थे। वीर शासक क्या थे, वीर बहादुर बंदे थे, ठीक है। नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा मारे जाते हैं, और इसी प्रकार एक कहानी मिलती है कि राणा लाका ने बूंदी पर आक्रमण किया और बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है वो जीत नहीं पाए, तो उन्होंने कसम खाई कि मैं जब तक बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीतूंगा तब तक मैं जो भोजन या पानी तक नहीं पीऊँगा। तो ये राणा लाका ने उसमें प्रतिज्ञा ली, लेकिन अब प्रतिज्ञा ले ली तो बूंदी को जीतना मुश्किल था उसमें तारागढ़ दुर्ग को। तो ये वहीं पे बूंदी में क्या है, वहीं पे एक नकली दुर्ग बनाते हैं, दोनों घटना सेम सी है वैसे, और नकली दुर्ग बना के उसको जब उस पर आक्रमण करने जाते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो कुंभाहाड़ा है उसमें वहाँ पे बूंदी का कोई ये था बंदा। यहाँ पे कई कहानियों में रानी हाड़ी रानी का भाई बताया गया, और यहाँ पे जो दूसरी कहानी मिलती है उसमें कहते हैं कि उस नकली दुर्ग की रक्षा करता हुआ कुंभाहाड़ा अपने साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त होता है और बहुत ही बहादुरी से लड़ा था राणा लाका के विरुद्ध इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए। तो कुंभा का जो हाड़ा है उसको भी आप याद रखिएगा इतिहास में, ठीक है। तो ये बातें थी किसके बारे में, राणा लाका के बारे में। अब थोड़ी और बातें हैं, जैसे इनका दरबारी विद्वान कौन थे उनके बारे में ऐसी बातें। तो राणा लाका के दो दरबारी विद्वान थे यानी कोर्ट स्कॉलर थे, कौन कौन से थे, एक तो झोटिंग भट्ट, दोनों भट्ट हैं, और एक धनेश्वर भट्ट, तो याद रखिए, यानी राणा लाका के दो दरबारी विद्वान थे झोटिंग भट्ट धनेश्वर भट्ट। झोटिंग भट्ट को इन्होंने पिंपली गांव दान में दिया था, याद रखिए कई बार पूछ लिया जाता है, और धनेश्वर भट्ट को पंच देवालय गांव में दिया था। तो आज हमने पढ़ा राणा लाका या लक्ष्मी के बारे में, और हम डेली एक ही राजा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम एक राजा के बारे में पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी जानकारी और मैं आपको बहुत ही डीपली बता पाऊंगा एक राजा के बारे में, और पर्सन आने के ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। यानी सारा हमारा जो मेवाड़ जो राजवंश का इतिहास है वो कवर हो जाएगा। और आज हमने पढ़ा राणा लाका के बारे में, कल हम पढ़ेंगे राणा मोकल के बारे में जो कि कुंभा के पिताजी थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।